सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, बहुत बड़ी संख्या में किसान आया यहां पे। इनकी समस्याएं हैं, अधिकारी आपके बीच में आए और समस्या जेन्युइन है। प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आई बीमा के क्षेत्र में, सरकारों से समझौते हुए, वे कोई पैसा देने नहीं आपको आई। किसान जागरूक होगा तो कंपनियां भाग जाएगी। वे आई के किसान से बैंक के थ्रू, सरकार के थ्रू पैसा कटता रहे, पैसा देना ना पड़े तो कंपनी तो मुनाफे के लिए आती है। आप लोग हो गए जागरूक तो कंपनी भाग जाएगी। यही यहां पर हुआ कि हरियाणा का किसान जागरूक हुआ तो कंपनी धीरे धीरे यहां से बोरिया बिस्तर करके भाग गई। जब दिल्ली में आंदोलन चला तो उससे पहले भारत सरकार बातचीत कुछ कर सकती थी। बौतिक पॉल्यूशन पे बात चली हुई थी उनसे, वह पहले वाली सरकार हो या ये वाली सरकार बनी, तो इस सरकार से भी बातचीत होती रहती थी। ये तीन काले कानून लेकर आए, इसका विरोध हुआ तो भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से बात करनी बंद कर दी। ये तो बहुत पॉलिसी में बनवानी थी, बात करनी थी, उनके कुछ जो मंत्री थे वो उस लाइन पे काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे तो भूमि अधिग्रहण एक्ट जो 2013 था उसमें संशोधन किया, तीन बार वो राष्ट्रपति जी के पास में भेजा, पूरे देश के किसान संगठन ने उसका विरोध किया, उसके बावजूद भी उसको मॉडल एक्ट बनाया और मॉडल एक्ट की पूरी पावर स्टेट को दी और स्टेट में पूरी पावर डीसी डीएम के पास में भूमि अधिग्रहण की पूरी पावर है। यही हाल फसल बीमा योजना में है। फसल बीमा योजना में हमने सरकारों को सुझाव ये दिए थे कि किसान के खेत को इंडिविजुअल मानना जाए। पहले जिला तहसील होती थी, फिर ब्लॉक आया, पंचायत गांव पंचायत स्तर पे है। एक किसान का अगर 100% नुकसान हुआ दूसरे का हुआ नहीं, उसकी छानबीन होती है तो 20-15-10% उसका नुकसान पड़ता है, पूरे क्षेत्र का मुआवजा कले मिलता नहीं। जब तक किसान के खेत को इकाई नहीं मानना जाएगा, जैसे इंडिविजुअल हमारी गाड़ी है उसका बीमा कर सकते हैं, किसान के खेत को इकाई मानना जाए, अगर पूरा खेत नुकसान है तो उसका भरपाई दे दो, नहीं नुकसान है तो उसको मत दो। ये बीच में सारी बातें होने थी, सब बातचीत खत्म हुई। ऐसे ही हम जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, अगर किसी किसान पर 5 एकड़ जमीन है उसमें केसीसी बनवा दिया, उसमें उससे नहीं दिया गया तो उसकी जमीन नीलाम करते हैं। जैसे राजस्थान में हुआ था, अभी राजस्थान में तो इनकी सरकार थी, लेकिन वहां पे एक किसान की जमीन नीलाम हुई, उसकी 10 किले जमीन थी, उसमें करीब 12-13 लाख रुपए का कर्जा था और वह जमीन उन्होंने नीलामी करी, वह करीब 70-75 हजार रुपए में ही, 75 लाख रुपए में वह पूरी जमीन उसकी नीलाम कर दी, जिसका सर्किल रेट भी 21 लाख रुपया किला था। वहां पर हम गए, वह उसकी योजना पूरी कैंसिल हुई, वह नीलामी कैंसिल हुई, फिर वह पूरी योजना कैंसिल की। हमने सरकारों को यह सुझाव दिया कि किसी किसान की अगर जमीन नीलाम करनी भी पड़े तो सर्किल रेट के हिसाब से जितने आपके पैसे बैठ रहे हैं उसकी जमीन को मीटरों में करो, उसकी
निशानदेही करो, उसकी आप नीलामी की बोली लगवाऊंगा। पहले तो होनी नहीं चाहिए, अगर करनी भी है तो उसको नोटिस दो, 6 महीने का टाइम दो और उसकी निशानदेही करो कि उसमें 5 लाख रुपए का कर्जा है और सर्किल रेट भी वहां पे 40 लाख रुपया किला है। आपको कितने मीटरों में चाहिए, उसकी 250 मीटर बैठती है, 500 मीटर बैठती है, सड़क के नजदीक की बैठती है, सर्किल रेट के हिसाब से उसको चिन्हित कर दो, उसको नीलाम कर दो। लेकिन ना ये क्या करते हैं कि पूरी जमीन उसकी नीलाम करेगी, तो ये तो देश का होगा नहीं कहीं पे भी। हम नीलाम करने वालों को भी इलाज करेंगे और लेने वालों का भी इलाज करेंगे, ये नहीं अब देश का होगा। व्यापारी की जमीन हो वो सर्किल रेट अपना बढ़वा लेता है, मार्केट रेट बढ़वाता है, सर्किल रेट कम होता है, उसकी भी नीलाम करते। लेकिन किसान की जमीन जरूर नीलाम करेंगे। एक पूरा फार्मूला चल रहा है कि 2047 तक, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, 2047 तक समझने वाली बात यह है कि आपकी 70% जमीन व्यापारियों के पास में चले जाएगी। जमीन को बचा कर रखना, आपकी जमीन रात के अंधेरे में भी बिकती है और फसल दिन के उजाले में नहीं बिकती। बहुत गहरे सवाल है, बहुत मुद्दे हैं, अधिकारी बीच में आए हैं। यहां पर जो कमेटी ने फैसला लिया, पूरी पंचायत हम सब लोग कमेटी के फैसले के साथ में हैं। अगर अधिकारी कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस डिसीजन, कोई ठोस सवाल लेकर नहीं आए होंगे तो पूरी कमेटी का जो निर्णय है हम उसके साथ में हैं। बहुत से सवाल है भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से। कई बार ये अखबारों में छपवाते हैं कि सूरजमुखी का जो एक आंदोलन चला, कि राजस्थान में कम रेट है और जगह कम रेट है उसका, तेलंगाना में कम है, हम यहां पर ज्यादा दे रहे। आंदोलन और किसानों पर लाठियां हरियाणा ने चलाई और भाव राजस्थान से मांगे। भाई जिसके मना है, जिसके शादी ब्याह है, टेंट उठी के बाहर ठीक लगते हैं। हमने कहा कि मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए। बार बार कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करें, ना भाई हम नहीं कर रहे। हमने तो एमएसपी के सामने भी मोदी नाम जोड़ दिया, मोदी एमएसपी गारंटी कानून अब देश में लागू होना चाहिए। क्योंकि सरकार ही कहती है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। प्रेस के लोग भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जी एमएसपी के तो रेट बढ़ाए। भाई रेट कागजों में बढ़ाए, धोखा देने के लिए बढ़ाए कि आम लोगों को पता चले कि देखो भारत सरकार तो रेट बढ़ा रही, ये किसान वैसे ही आंदोलन करते हैं। हमने कहा कि इस पर कानून बना दो, सरकार को जितनी परचेजिंग करनी है सरकार उतनी कर ले। व्यापारी को जिसको अनाज पे व्यापार करना है वो एमएसपी से कम पे खरीद ना करे, ये हमारा सवाल है। इस पे आंदोलन होगा। जिस तरह से आज ट्रैक्टर आए, आप इसी तरह से ट्रैक्टर मिट्टियों में ले जाते रहो, क्योंकि ये ट्रैक्टर भी 10 साल पुराना ट्रैक्टर और जो गाड़ियां हैं ये बंद होगी, क्योंकि डीजल से चलता है। ये जो सरकार है ये बड़े व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। उनको फायदा कैसे होगा, तो स्कीम मारनी पड़ती है उनके लिए, क्योंकि उनको नुकसान ना हो। 10 साल में ट्रैक्टर बदलोगे तो कंपनी को फायदा होगा, कार बदल जाएगी तो कंपनी को फायदा होगा, जो मिस्त्री है वो बेरोजगार होगा, तो बड़े लोगों को फायदा कैसा होगा, तो उसकी बहुत ध्यान सरकार रखती है। इनका हमारा विरोध है कि डॉक्टर की गाड़ी, किसान की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी और एक रोडवेज की चलने वाली गाड़ी सारी एक कैटेगरी में कैसे आ जाएगी। एक जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी कितनी चलती है, किसान का ट्रैक्टर कितना चलता है, रोडवेज की गाड़ी 500-700 किलोमीटर चलती होगी, लेकिन किलोमीटर पे नहीं। 10 साल पूरे होंगे तो ये बंद होंगे।
हमने भी बता दें कि 10 साल तक किसान का ट्रैक्टर रहेगा और 10 साल के बाद में उसका नाम टैंक हो जाएगा, टैंक, किसान का टैंक। एक आंदोलन तो बड़ा होगा, मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म होगा, मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म होगा। ये तो भाषाओं को समझने वाला क्षेत्र है, इसे कहोगे कुछ ही लेकिन समझेगा ये बिल्कुल ठीक। दूसरा एक अभी यहाँ के एक मंत्री थे, उसने बयान दिया, बयान तो तफरी में दिया, वैसे तो देते नहीं कोई बयान, क्योंकि जो एक हमारे वहां के केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो उनको कहा भाई यूपी वालों को इनको रोको, एक आपके गलत लोग भी आए हैं आपके बीच में। 13 महीने के आंदोलन में हमने बहुत बार हरियाणा में आए, हरियाणा के लोगों को समझाने का काम किया, हरियाणा के लोग उग्र ना हो उनको शांत रखने का काम किया, नहीं तो हरियाणा तो 5-6-8 दिन में काम करते, 8 दिन से जाते हरियाणा का आंदोलन चल ही नहीं सकता। हरियाणा के लोग चंदा देने में बहुत बड़े माहिर हैं, हमने कहा कि गांव का धन गांव में रहे, अपने गांव का धन बाहर मत दो, आंदोलन को लंबा चलाओ, शांति से चलाओ। आज हरियाणा में आंदोलन शांति से चल रहा, 60 दिन से यहां पे आंदोलन चल रहा, अधिकारी भी यहां पर आते रहते हैं। अधिकारी कोई सरकार नहीं होती, अधिकारी दूत का काम करते हैं, अधिकारी हमारे बीच में आएंगे उनको रास्ता दे दो, वे आएंगे बड़ी बात कहेंगे, अधिकारी उतना काम कहेगा जो सरकार ने उनको कहा है, अपनी तरफ तो कुछ नहीं कहेगा। अधिकारी की पॉलिसी से सरकारों के चेहरे दिखाई देते हैं कि सरकार की पॉलिसी और सरकार का चेहरा क्या है। हमने सरकार को देखी नहीं लेकिन हम अधिकारियों को देखते हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार की भावनाएं क्या है, और ये भी बताते हैं कि भारतीय किसान यूनियन या देश में किसान संगठन उसकी जो भी मदद करेगा वो अधिकारी मदद करता है, नेता आपकी कोई मदद कभी नहीं कर देगा। आपके अधिकारी ठीक होंगे, अधिकारी से व्यवहार आपका ठीक रहेगा, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। यहां पर आए जिनको अगर इन्हें कोई घोषणा नहीं दिए कर रहे, आप इनको रास्ता दे दो, इनको जाने दो अपनी मंजिल पे, इनकी ना होल्डिंग करनी ना इनको न्यूसेंस करना कभी भी, ये आए अपनी बात बताई चलेंगे। संपर्क इनसे जरूर रखो, एलआई इंटेलिजेंस के लोग हमारे बीच में रहते हैं, उनसे संपर्क रखो, और जो भी यहाँ पे कमेटी का निर्णय होगा, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए, हम धन्यवाद देते हैं आप सबको। 750 करोड़ रुपए का यहाँ का मामला है इस जिले का, और ये हरियाणा में दूसरे जिलों का भी मामले है, यहाँ पे जल भराव होता है उसका फसल बर्बाद होती है, यहाँ पे दूसरी तरह के नुकसान होते हैं उसका फसल बर्बाद होती है, यहाँ पे बहुत सी फसलें वे भी होंगी, बहुत सी कंडीशन अगर आप पढ़ दोगे और कंपनी वाले मिलते नहीं, कंडीशन पड़ गए किसके सामने बताओगे। हमको पूरे जीवन काल में एक बार कंपनी के लोग मिले, हमने बिजनौर में वे बुलवा लिए, बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर से लगता, गंगा के गंगा से परली तरफ है, उन्होंने गन्ना भी हमारे उसमें फसल में डाल रखा था, प्रीमियम कटता है क्योंकि पूरी गन्ने की बेल्ट है अपनी, और कले मिलना नहीं था क्योंकि गन्ने में नुकसान नहीं है। हमने उनको कहा भाई गन्ने का नुकसान आप कैसे दोगे, उन्हें कहा कि गन्ना अगर बाढ़ में बह जाएगा तो हम क्लेम देंगे, मगर बाढ़ में गन्ना बहता ही मगर हमारा ये इसमें से गन्ने की फसल काटो, तो बहुत मुश्किल से गन्ने की फसल कटवाई, नहीं तो उसी से ही काटते थे पैसा, क्योंकि गन्ने की जो वो होता है जो पैसा आता है शुगर मिल में डाले सीधा बैंक में जा, बैंक से वहां कट गया, अनपढ़ किसान है कितना किसने काट लिया पता भी नहीं लगता, तो बहुत फायदे का पोता था, तो हमने तो गन्ना हटवाया उसमें से,
पका गन्ने की पैदावार कम होगी तो दोगे कि ना उसका नहीं देंगे, आग लग जाएगी उसका दोगे कि उसका भी कुछ दे देंगे, क्योंकि गन्ने में अगर आग लग जाए तो भी नुकसान नहीं होता, वो तुलाई हो जाती है। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में तो खड़े गन्ने में आग लगा सकते हैं, उसको फिर परिसर में डाल सकते हैं। मगर कहीं का अति अगर बाढ़ आ जाएगी वो गन्ना खत्म हो जाएगा सारा, तो देंगे बाढ़ आती नहीं कहीं, तो इसका मतलब कंपनी का फायदा ही फायदा, हमारी फसल काटो। तो यहाँ पे भी वो स्थिति, आप देखना प्रीमियम कितना कट रहा है, किस फसल से कट रहा है, कोई फसल ऐसी तो नहीं कि उसको बाहर निकालना हो। आप यहाँ पे भी आप सर्वे करना, और जो हमारे पैसे हैं 750 करोड़ रुपया वो सरकार देगी, जो आपने फैसला कर दिया है, क्योंकि आंदोलन ये दो ही आंदोलन हरियाणा में अभी फसल बीमा के चल रहे हैं, एक यहाँ पे चल रहा है, एक शायद हिसार में कहीं चल रहा है, हिसार में चल रहा है। तो आप चलवाओ इस आंदोलन को, एडवोकेट और सब आपके साथ में है, सब लोग आपके साथ में है इस आंदोलन में, और जो भी हो मुद्दे होंगे वो ट्रैक्टर का इश्यू हमारा है, ये जब भारत सरकार को चिट्ठी जाएगी तो ये भी इशू रक्षा करो, क्योंकि यहाँ पर 15 साल है, हमारे वहां पर 10 साल है, डीजल से चलने वाली कोई भी चीज 10 साल में खत्म हो जाएगी, 15 साल में आपके यहाँ खत्म हो जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, उसका फिर बीमा नहीं होगा। ये चीजें आ रही, हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं चीजों का। जंगली जानवरों का है यहाँ पर कुछ आग ना हो, लेकिन होंगे भी यहाँ पे, छोटा पशु है उसमें गौ शालाओं के नाम पे ये सरकारें चल रही है, गौशालाओं के ठेके सरकार के लोगों के पास में है, उसका फंड भी उन्हीं के पास वास्ता है, और गौशाला सड़कों पर किसान के खेत में,